एक डेढ़ महीने से हम कंटिन्यू जो ओपीडी देख रहे हैं, ओपीडी नॉर्मल से 3 गुना बढ़ गई है और मैक्सिमम दूसरा और तीसरा पेशेंट है जो मलेरिया का पेशेंट है हमारे पास एमपीए हो रहा है, जो टेस्ट करा रहे हैं, टेस्ट के अंदर कंटिन्यू पेशेंट आ रहे हैं मलेरिया के हो रहे हैं, जिसके अंदर पेशेंट की कॉमन कंप्लेंट में जो जाँचों में देखा गया उसके अंदर प्लेटलेट की कमी आ रही है और पेशेंट को हम यहाँ रेफरल दे रहे हैं, हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन के पेशेंट को हम यहीं से ट्रीट कर रहे हैं, जिससे पेशेंट की रिकवरी रेट भी अच्छी है। तो एडमिट संख्या ज़्यादा हो रही है? एडमिशन संख्या नॉर्मल से 2 से 3 गुना बढ़ गई है, क्योंकि हर दूसरा तीसरा पेशेंट मलेरिया का आ रहा है, तो मलेरिया की सिम्टोमेटिक है, फीवर नहीं जा रहा, फीवर के पेशेंट को रिकवराइज करने के लिए हमने कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि फीवर को सब्साइड करना भी नीडी है, नहीं तो प्लेटलेट और डाउन होगी, तो हमें फिर रेफरल करना पड़ेगा। इस बार डेंगू के मरीज कम है? इस बार डेंगू के पेशेंट हैं, परंतु मलेरिया से 53rd ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। मलेरिया दूसरा और तीसरा पेशेंट हर पेशेंट ही कॉमन है, जिसमें मलेरिया के केसेज के अंदर हम फॉलो अप कर रहे हैं। तो लोगों से क्या अपील है, मतलब किस तरीके से मलेरिया से बचाव करें या फिर टाइम समय पर डॉक्टर को दिखाएं? जहाँ पे भी भीड़ भरा के इलाके हैं, या तो जहाँ कूलर में पानी इकट्ठा हो रहा है, कच्ची बस्तियाँ की झोपड़ियाँ हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पे लोगों को यही कहेंगे कि वहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होने दें और जहाँ पे साफ सफाई रखें, जिससे कि ये पेशेंट की फॉगिंग के अंदर या नगर परिषद को हम यही देंगे हिदायत में, वहाँ पे जाके एक बार फॉगिंग करवाई जाए। सिटी के केस बहुत कम है, फील्ड के अंदर जो केसेज हैं, जो या तो रिलैप्सिंग केस है जिसको हम कंटिन्यू देखें, वहाँ पे हाउस टू हाउस सर्वे किया जाए, जिसके अंदर केस कितने बढ़ रहे हैं उसका फॉलोअप देखे, उनको वहाँ पे करके फॉलोअप करके यहाँ पे रेफर करेंगे। सर, क्या स्थिति है मौसमी बीमारी को लेकर? मौसमी बीमारी को लेकर सितंबर में तो काफ़ी ज़्यादा थे मरीज, करीब करीब 3,500 के आसपास ओ पी डी डेली की चल रही थी। अब जो है अक्टूबर में कुछ ओ पी डी नीचे आई है, 3,000 के आसपास ओपीडी चल रही है, और इंडोर भी जो है पहले की वजह कम है। कैसी बीमारियाँ ज़्यादा चल रही है? मौसमी बीमारी में ज़्यादा वायरल ही है, और कहीं कुछ केसेज मलेरिया के आ रहे हैं, डेंगू के तो बहुत ही गिने चुने ही पेशेंट आ रहे हैं, अब की बार डेंगू का तो नहीं है इतना, लेकिन मलेरिया ज़रूर है और ज़्यादा मौसमी जो है वायरल ज़्यादा है। बेड की क्या स्थिति जिले में, पहले फुल हो गए थे, अब क्या स्थिति? नहीं, अभी बेड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले मतलब वार्ड भी नए क्रिएट किए और एक्स्ट्रा बेड भी लगाए, तो बेड की कोई समस्या नहीं है, अभी बेड खाली है, पिछले अक्टूबर में तो बेड की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो सर, ये सितंबर माह के अंदर जो ओपीडी आई है, वो ओपीडी पूरे अस्पताल भरने से क्या पहली बार आई है? हाँ, ये सितंबर की जो ओपीडी और आईपीडी दोनों ही अगर मैं देखे तो हॉस्पिटल के इतिहास में तो सबसे ज़्यादा की है, पहले ऐसी इतनी कभी नहीं रही। क्या लोगों से क्या अपील रहेगी, क्या सलाह देंगे कि किस तरीके से बीमारियों से बचा जा सके? अब ये वायरल है, जनरली ज़्यादातर वो वेक्टर बॉर्न है, मॉस्किटो बाइट से होती है, तो उससे बचाव करने की कोशिश करें। दूसरा जो एक दूसरे से फैलती है, तो उसमें अपने हेल्थ का ध्यान रखें, बाकी और तो मौसमी बीमारियाँ तो जब सीजनल डिजीज का दौर होता है तो उस टाइम होती ही होती है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं ऐसा कुछ भी। हालांकि गंभीर कोई पेशेंट नहीं हमारे पास आया और ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई। अच्छा, जिले में डेंगू और मलेरिया की क्या स्थिति है? डेंगू मलेरिया के टोटल 174 केस हैं, उसमें एक बीएफ केस है और 173 पीवी केस है, और डेंगू के 333 केस हैं। तो सर, कितनी खतरनाक बीमारी इस बार ज़्यादा आया, मलेरिया के ज़्यादा आ रहे हैं या डेंगू के ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर जो कुछ मौत भी हो रखी है क्या इससे? नहीं, मौत तो अभी तक एक भी नहीं हुई दोनों बीमारियों से, बाकी गत वर्षों की 4-5 वर्षों की बजाय इस बार बारिश ज़्यादा होने से केस बढ़े हैं, कुछ बीच में कम हो गए थे, बिल्कुल इस साल बढ़े हैं कुछ। तो आम जन से क्या अपील रहेगी, किस तरीके से डेंगू और इसे रोकथाम के लिए बचाव करें? ये तो कपड़ा ओढ़ के सोएं, रात को खुले नहीं सोएं, ज़्यादा मच्छरों सरसों का तेल लगाएं, टांकों में दवाई मिलती है टेमोफोस वो डालें, टांके ढके रखें, कूलर वगैरह साप्ताहिक रूप से साफ करते रहें। सत्रह अठारह तारीख को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है, जिसमें 19 साल तक के बच्चों को कीड़े मारने की दवाई एल्बेंडाजोल दी जाएगी, बड़े बच्चों को गोली, छोटे बच्चों को सिरप दिया जाएगा।